हाय गाइस, एक बहुत ही खुशखबरी है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कि 2018 का नोटिफिकेशन आ चुका है। गर्चे इस साल सबसे पिछले 6 सालों में सबसे लास्ट कम वैकेंसी आई हुई है, लेकिन फिर भी हर बंदे को सिर्फ एक ही वैकेंसी की ज़रूरत होती है। क्या कुछ है इस नोटिफिकेशन में हम लोग जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बता रहा है कैंडिडेट टू इंश्योर दियर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। अप्लाई का डेट अप्लाई हम लोग सिर्फ ऑनलाइन के जरिए ही किया जा सकता है, और ये चालू होगी, ये लास्ट इसका डेट है 6 मार्च तक, और आज ही से ही ये लिंक एक्टिवेट कर दिया है अप्लाई करने के लिए। आज आप आज से लेकर 6 मार्च तक टिल 6 PM तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या बताई गई है, इसमें जितने सारे सर्विस है सबकी लिस्ट दी गई है। इसमें टोटल शायद के 26 सर्विस है। सबसे पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको हम लोग IAS कहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इस तरह से पूरे 26 सर्विस के बारे में बताई गई है। और जो वैकेंसी इस बार 1382 वैकेंसी है, इंक्लूडिंग 32 वैकेंसी जो रिजर्व के लिए होती है, विच बेनमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, एंड 15 वैकेंसी कैंडिडेट जो ब्लाइंड और लो विजन की होती है उनके, और 8 वैकेंसी फॉर डीफ एंड हार्ड हियरिंग। ये सब मतलब वैकेंसी जो रिजर्व वैकेंसी है सबके बारे में इसमें बताई गई है, और टोटल मिला के 782 वैकेंसी है। इसके बाद इसमें ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात है, ये अपनी तरफ से सब देख लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब फिट ही होती है इसमें। तो इसके बाद इसमें और क्या कुछ बताए गए हैं देखते हैं हम लोग। इसका एग्जामिनेशन सेंटर, सारी एग्जामिनेशन जैसे आगरा, तला, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सारे एग्जाम सेंटर है, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। सेंटर फॉर सिविल सर्विस मेंस एग्जाम का ये सेंटर है, और प्रीलिम्स का ये सेंटर है। ओके, इसके बाद प्लान ऑफ एग्जाम 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, सबको जानते हैं, सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव होती है, एक और ऑब्जेक्टिव होती है, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, वो जिसे सी सेट कहते हैं हम लोग, उसमें 33% मार्क्स लेके आना होता है। इसके बाद दिया जाता है एलिजिबिलिटी कंडीशन, नेशनलिटी तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये एज लिमिट होती है 21 साल से 32 साल के बीच में, लेकिन इसको काउंट किया जाए 1 अगस्त 2018 से, और लेकिन उसके लिए 21 साल होना जरूरी है। ठीक है, इस तरह से लिमिट जो रिलैक्सेबल होती है सबको रिलैक्सेबल मिलती है, जनरल को छोड़ के, ये इस तरह से। उसके बाद देखते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट का डिग्री होना जरूरी है, कोई भी सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटर और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो पार्लियामेंट एक्ट के तहत डिक्लेयर किया गया हो। ठीक है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट, हर एक कैंडिडेट को 6 अटेम्प्ट मिलेगा, हर एक कैंडिडेट को 6 अटेम्प्ट मिलेगा, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ जनरल्स में है। अगर आप एवरी कैंडिडेट अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट, ये नॉट अप्लाई इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो भी बंदा है वो उसका कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जितना चाहे इतना टाइम तक एग्जाम दे सकता है, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लास में ये अटेम्प्ट 9 तक है, मतलब 9th अटेम्प्ट। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन फॉर अप्लाई, ये सब चलो कोई बात नहीं, ये सब ठीक है। हाउ टू अप्लाई, आपको मतलब UPSC के साइट में जाना, www.upsc.nic.in पे, इस साइट से आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे लॉग इन करके। और क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये जो होती है मतलब ये कोड जो फिजिकल रिक्वायरमेंट उसका कोड ये इसका, जैसे सीटिंग को एज दिया गया है, स्टैंडिंग को VH, ये सब उसका, सीटिंग को एज दिया गया है, स्टैंडिंग को VH, सॉरी W को वर्किंग, इस तरह से ये कोड्स है जो उसको अप्लाई करने में लगती है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम होता है जो ऑब्जेक्टिव होती है, मेंस होती है जो सब्जेक्टिव होती है उसमें, उसके बाद इंटरव्यू भी होती है डिफरेंट पोस्ट को सिलेक्शन करने के लिए। और सिलेबस आप देख ही सकते हैं कि सिलेबस ये है इसके लिए प्रोवाइड करती है, और मेंस का एक पैटर्न ये है। और क्या कुछ है इसके बारे में, बाकी आप सिलेबस पैटर्न को देख लीजिएगा अपनी तरह से, UPSC के साइट्स में भी पड़े हुए उसे डाउनलोड कर लीजिएगा आराम से,
सब हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही सब कुछ था। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना।